पिंक कलर का हम टीयर ड्रॉप पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसे नीडल रखनी है आपको, इसको थोड़ा सा एंड को प्रेस करना है अंदर की साइड को और रोल करना है। ये देखिए ये पैटर्न बन गया, ये इस तरीके से रोल हो जाना चाहिए, दिख रहा है। अब इसको फिंगर से स्लाइटली रोल करेंगे, फिर पकड़ लेंगे, फिर रोल करेंगे, फिर पकड़ लेंगे, रोल किया ताकि ये रोल जो हम बना रहे हैं ये ओपन ना हो। अगर ये ओपन हो जाएगा फिर हमारा ये पैटर्न ठीक से बन नहीं पाएगा। यहाँ पे देख, अब हम इसको कम्प्लीटली रोल कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको फिंगर को थोड़ा लूज़ करेंगे, ये देखिए। ठीक है, बन गया ये, यहाँ से पकड़ लिया ताकि और ओपन ना हो। थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, ग्लू लगा लिया, इसको यहाँ पे कर दिया, जितना साइज रखना है आपको उतना रख लीजिए। कंप्लीट। अब पैटर्न बनाना है, इसको यहाँ इस ये जो बीच में है इसको थोड़ा नीचे को करेंगे कंप्रेस। नीचे की साइड पकड़ लिया इसे, अब ये मूव नहीं कर रहा, और इन दो फिंगर से इसको हम दबा देंगे। ठीक है, दब गया। अब ये देखिए ये लाइन से इधर साइड से आ गया पैटर्न, ये ओपन। अगर आप ठीक से दबाएंगे तो ये इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। ये बन गए हैं दोनों, इन्हें टीयर ड्रॉप पैटर्न कहते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड इट। ये इस तरीके से, इसी तरीके से आप पैटर्न बना के फ्लावर भी बना सकते हैं।